जब हमने डेमोक्रेसी चुनी थी 1950 में, तो वेस्टर्न ताकतें जो थी उनको बड़ा अजीब लगा कि ये लोग पागल हो गए हैं, 84% इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, सोशली डिवाइडेड है, ये कैसे 565 प्रिंसली स्टेट्स राज करते थे, ये लोग कैसे डेमोक्रेसी चलाएंगे। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि पहला ही इलेक्शन इतना अच्छा हुआ कि उसके बाद से अपने मुड़ के नहीं देखा है। गांधी जी की प्रेरणा सर हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा से है कि दो चीजें था, सबसे एक तो इक्वालिटी के, जितनी भारत डाइवर्स देश है इतनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं है, सभी तो यहाँ मजहब है, 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ज्योग्राफिकली इतनी वैरायटी है, और उस सब के बावजूद बड़े पीसफुल हमारे इलेक्शन होता है, और जनता कर गरीब से गरीब को जो बराबरी दी गई वो इसका एक कोर प्रिंसिपल है। जब हमने मैंने IAS ज्वाइन किया एकेडमी में, जब हमको ट्रेनिंग दी गई तो एक बात बताई गई थी जिसको हमने पल्ले बांधा और 40 साल तक उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास बड़ी बड़ी पावरफुल पोस्टें होंगी, जब भी किसी पॉलिसी पे किसी स्कीम पे दस्तखत करना, सबसे गरीब जो आपको एक किसी शख्स से मुलाकात हुई है उसका तस्वीर करना, उसको अपने सामने रखना कि उसके ऊपर क्या इसका तुम्हारे इस फैसले का प्रभाव होगा और फिर ही दस्तखत करना। मैं समझता हूँ कि मेरी ऐसे में कामयाबी करार नहीं है, मैंने इस प्रिंसिपल को हमेशा हमेशा फॉलो किया। दूसरी चीज, गांधी जी ने जो अहिंसा का हमको लेसन दिया था, दुनिया जो हमारे इलेक्शन को सराहती है उसका रीजन ये है कि 70 साल हो गए हमारी जो ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, एक हारने वाली सरकार जीतने वाली सरकार को नमस्ते करके पूरे हैंड से जो कुर्सी देती है उसको दुनिया सलाम करती है। और आप देखेंगे आधी दुनिया में इलेक्शन के बाद की जो वायलेंस होती है वो इलेक्शन के पहले की वायलेंस से ज्यादा होती है, ब्लडशेड होता है, इलेक्शन ही बल्कि कई जगह तो हो ही नहीं पाते। इस ट्रांजिशन का कारण ये है कि हमारे इलेक्शन बड़े पीसफुल होते हैं। मैं अपने तकरीरों में एक पिक्चर दिखाता हूँ नौजवानों को, खासतौर से एज ए क्विज, उसमें एक हारने वाला चीफ मिनिस्टर है, जीतने वाला चीफ मिनिस्टर है, दोनों बैठे हुए ऐसे जैसे इतनी दोस्ती के उसमें खुश हंस हंस के बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बताओ इनमें से हारा हुआ कौन है, जीता हुआ कौन है। और जैसे कहते हैं ना कि एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के बराबर होती है, वो पिक्चर 1000 वर्ड्स कहती है। और उसका रीजन ये है कि हारने वाले को कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, उसको मालूम है कि बेईमानी से नहीं हारा वो, उनको लेजिटिमेटली जनता ने हराया है। और जनता हमारे भारत की वाकई स्मार्ट है कि ट्रांजिशन की, वायलेंट ट्रांजिशन की गोली के जरिए सरकार बदलने की जरूरत ही कभी नहीं पड़ी, बैलेट के जरिए पड़ती है, बुलेट से नहीं होती, और ये चीज बार बार जनता दिखाती रहती है। लेकिन ये कहने के बाद कुछ हमारे कंसर्न्स भी हैं, हमें उसका ध्यान देना चाहिए। एक तो मनी पावर, पैसे के दम से आजकल इलेक्शन जीते जाते हैं, करोड़ों के जिसके पास है वो ही जीतता है। दूसरे विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बहुत आगे रखे हैं, ऑलमोस्ट 1/3 लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, कुछ तो बड़े बड़े सीरियस है, बार बार केसेस है, रेप, डिपॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग जैसे केसेस भी है, वो उनको लोग करके भेजते हैं, ये इसको सोचना पड़ेगा कैसे क्या इलाज है। तीसरा, वोटर्स की इंडिफरेंस, एपैथी के वोट नहीं देते, और वोट ही नहीं देते, खासतौर से सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल वोट ही नहीं देते, बल्कि वो ब्रैग करते हैं कि मैंने तो आज तक वोट नहीं दिया। फिर आपको घरों में बैठ के सरकारों को, नेताओं को कोसने का कोई हक नहीं है, आप उनको कोसते हो, नीचे और आ गए, लेकिन आपने उनको आने क्यों दिया, आप उन्हें वोट देने नहीं गए, हमें इसको डील करना है। और फाइनली आजकल जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, इलेक्शन की जो इतने डेमोक्रेसी के फायदे हुए एक नुकसान भी हुआ, 70 साल पहले जिन लोगों को अपनी कास्ट नहीं पता थी आज उनको सब 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 कास्ट भी बता दी जाती है, उनको सब याद होती है, वो ही वोट बैंक थे, उनका इस्तेमाल होता है, लड़ाइयां कराई जाती है। राजमोहन जी ने एक बात कही कि आपको अपने पड़ोसी के बारे में आपके ओपिनियन तो होती है लेकिन जानकारी बहुत कम होती है, और उन्होंने एक बात की उनको जानने की कोशिश करो। सर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जानने की कोशिश करें कैसे, अब तो वो पड़ोसी दूसरा वाला पड़ोसी होता ही नहीं है, उसको मकान नहीं मिलेगा, थेरेपी नहीं मिलेगा, अब तो मुस्लिम कॉलेज में मुस्लिम है, हिंदू कॉलेज में हिंदू है, दूसरे को जिसको आप दूसरा कहते हैं उससे हमें इंटरेक्शन करने का कोई मौके ही जो है वो है ही नहीं, और भी कम होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत में जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको पता ही नहीं लगेगा, आपस में इस तरह की बुनियाद पर हम चलेंगे।